नमस्कार, देश विदेश को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो, इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल, बी श्योर इट्स प्योर। जगन्नाथ प्रेमीों पर खुशी खबर, षोहलू श्रद्धालुओं खोल श्रीमंदिर प्रथम पांच दिन पूरीवासी को मिल दर्शन सुजोग, 23 समस्त श्रद्धालु पाइबे जगा दर्शन। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ, प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने को कैबिनेट्र ऐतिहासिक निष्पत्ति, एणिकी सरकारी स्कूल में भी आरंभ हो प्ले स्कूल, समग्र शिक्षा 2.0 योजना को कैबिनेट्र मंजूरी। लद्दाख को मिलला नुआ अर्थनैतिक लाइफलाइन, दुनिया सबुठ उच्च रास्ता निर्माण कला बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, समुद्र पतन 19,300 फुट उपरे रास्ता निर्माण करी नुआ कीर्तिमान स्थापन कले केंद्र सरकार। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऐतिहासिक दिन, प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जलावतरण, परीक्षामूलक भाव आरंभ कला प्रथम समुद्र यात्रा, शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री। विरंची बढ़ला अड़ुआ, विजिलेंस परे घांटी ईडी, विरंची आक्का पाखे पहुंच पार तो ईडी, तदंत परिसरभुक्त हेबे ना नहीं बड़ ऑफिसर। सौम्य मृत्यु मामला, न्याय पाई एबे मुख्यमंत्री भरोसा, न्याय न मिलले आत्महत्या देवा को चेतावनी देले सौम्यों मां। मुख्यमंत्री डीजीपी पीसीसीएफ को जनाइले कही दे न्याय, प्रश्न डीएफओ को सुरक्षा पाई उपर महलार पड़ुछि कि चाप। देश पाई चतुर्थ पदक निश्चित कले रेसलर रवि डाहिया, 57 किजी वर्ग रे कजाकिस्तान रो सनायेव को हराई फाइनाल रे कले प्रवेश, एबे हेबो स्वर्ण पाई लही। सेपटे जैवलिन थ्रो रो फाइनाल रे नीरज चोपड़ा, वो पराजय नुहे विजय, सुना रूपा नहला नहीं, हारी भी हीरा परी चमकिले देशर झील। ओलंपिक्स रे सेमी रे अर्जेंटीना रु 2-1 रे पराजय परे ब्रोंज पाई ब्रिटेन को भेटिबो महिला हॉकी टीम। जगन्नाथ प्रेमी को पाई खुशी खबर, आसंता 16 तारीख में खोल श्रीमंदिर, छतीसा निजोग बैठक में नियागला गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, प्राथमिक पर्यायर प्रथम पांच दिन पूरीवासी को मिल दर्शन सुजोग, 23 समस्त भक्त श्रद्धालु पाइबे जगा दर्शन सुजोग। तेबे भक्त मानू कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार 2 डोज देखा बाध्यतामूलक, श्रीमंदिर भितर कोविड कटका को दिज्व गुरुत्व। भक्त जी भगवान सहित गोटे मिलन रहा से अपेक्षा रही से दर्शन कले जो मन में आनंद उल्लास सृष्टि हम एवं भक्त को दर्शन देवे जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रेमी खुशी खबर, दीर्घ मासर अपेक्षा पर खोल श्रीमंदिर, आसंता 16 तारीख रु भक्त खोल श्रीमंदिर। छतीसा निजोग बैठक में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, आसंता 16 तारीख ठारु 20 तारीख पर्यंत प्रथम पांच दिन पूरी सहरवासियों पर दर्शन व्यवस्था करा। कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार 2 डोज प्रमाणपत्र देखा श्रीमंदिर को भक्त प्रवेश करें। आसंता 21 और 22 तारीख शनिवार और रविवार थिबारु श्रीमंदिर बंद रहिब। मंदिर भितर और बाहर परिसर को सानिटाइज करा जिवो। आसंता 23 तारीख ठारु सर्वसाधारण दर्शन पाई खोल श्रीमंदिर। श्रद्धालु माने कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट सह टीकार 2 डोजर प्रमाणपत्र देखाई श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करिवे। राज्य तथा राज्य बाहर समस्त भक्त जगा दर्शन सुविधा नहीं पारे बोली श्रीमंदिर प्रशासन तरफ कहा जाइछि। सोमवार 16 तारीख रु दर्शन पाई श्रीमंदिर को रे दर्शन भक्त मानकर आरंभ हबो। प्रथमे पांच दिन
जमीती गत वर्ष जिते बेले आम डिसेम्बर में खोलीलु से ही समय से हिसाब से प्रथम पाँच दिन व्यवस्था हबो पुरीर समस्ते बासिंदा मानक पाई तापरे 22 23 तो शनिवार और रविवार अच्छी 24 तारीख रु समस्तों को पाई से दर्शन रो व्यवस्था करा जीवो सर 21 22 हां तो 23 रु 23 रु 23 रु 23 रु पहले नेची डबल डोर नहीं था लोग जेटा ठीक पूरी आदि हमें हमें बहुत खुशी स्वागत योग्य पदक हमें बहुत स्वागत कर बहुत तीन चार मास होगा पूरीवासी बहुत व्याकुल अच्छा दर्शन करने बहुत खुशी लगे शुणी श्रृंखलित दर्शन सह श्रीमंदिर भितर कोविड गाइडलाइन जोभली अनुपालन हो पार से नहीं बैठक में आलोचना होई समस्त भक्त श्रीमंदिर सिंहद्वार प्रवेश करे अन्य तीन द्वार दे प्रस्थान करे अंपटे आनंद बजार में भक्त मान महाप्रसाद सेवन उपर कटक र केवल महाप्रसाद किणी बाहर सेवन करें पूर्वपरि श्रीमंदिर भितर रही कटक जारी रक्त मैंने कौन पार्श्व देवादेवी मान स्पर्श करें श्रीमंदिर भितर दीप जापारे ना पान छेप पकई पारे ना तेज आगक आसुवा पर्वपर्वाणी भि विशेष दिन मानक भक्त गहली को दृष्टि रखी श्रीमंदिर बंद रही निष्पत्ति नेक्स्ट 15 दिन भितर जी समस्त जी रही जाइए प्राय 90% रू जा जदि किए रही जाइए द्वितीय डोज टीकाकरण भी जमीती ताकि जिते भक्त मैंने आसवे से मान से पूर्व बहुत पूर्व आमर सब स्टाफर टीकाकरण हो सब सेवक मान टीकाकरण हो समस्त टेस्ट हो जाए 23 तारीख पर 23 हो कि 24 हो 25 हो कि 5-7 दिन समय लगे निश्चित भाव में जो एत बड़ जिनस बंद थी महाप्रभुकर सोमवार शनिवार रविवार सटन से जिन बंद रु महाप्रभु से ही समय जब नीतिकांति कौन थी नीतिकांति भी से ही समय भी बंद कर दर्शन बंद कर व्यवस्था कर श्रीमंदिर खोल पूर्व 8, 9 और 10 तारीख में सेवायत मानक कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कर पुरी रु आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज शिक्षा क्षेत्र में आरंभ हो नुआ जुग सरकारी स्कूल में भी आरंभ हो प्ले स्कूल बुधवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसा केन्द्र कैबिनेट स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति देश में समग्र शिक्षा 2.0 योजना को मोदी कैबिनेट मंजूरी मिली 294,000 कोटी टंकार समग्र शिक्षा योजना केन्द्र सरकार महत्वाकांक्षी योजना जहां 5 वर्ष चलो या सहित प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशुं प्ले स्कूल परिकल्पना कर स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने दिगरे मोदी क्याबेटर ऐतिहासिक निष्पत्ति एणिकि सरकारी स्कूल रे भी आरंभ हो प्ले स्कूल समग्र शिक्षा 2.0 योजना को क्याबेटर मंजूरी बुधवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसी केन्द्र क्याबेट स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति देश में समग्र शिक्षा योजना 2.0 को क्याबेटर मंजूरी मिली 294,000 कोटी टंकार केन्द्र सरकार को एक महत्वाकांक्षी योजना हूँ समग्र शिक्षा 2.0 एप्रिल 1, 2021 रु मार्च 31, 2026 पर्यंत यह कार्यकारी हेबो यह अधीन दूरदूरांतर शिशु को परिवहन सुविधा दिजाव यहस राज्यगुड़ी आर्थिक सहायता प्रदान होपटे प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना कर सरकारी स्कूल प्री प्राइमेरी व्यवस्था आरंभ हो शिशु प्रारंभिक 4 वर्ष शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिजाव स्कूल खेल को प्रोत्साहन करने अतिरिक्त ग्रांट प्रदान केवल एति नुहे प्रथम थर पर शिशु सुरक्षार दायित्व भारत सरकार ने समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल की माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है शिक्षा इक्विटी क्वालिटी एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा
ସେହିପରି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମାଇନର ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ କୋ ୱିମେନ୍ କୋ जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल वह इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आने दिगरे गोटे पर गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करछंती केंद्र सरकार। निकट में नूतन शिक्षा नीति 2020 रो 1 वर्ष वृत्ति अवसर में प्रधानमंत्री प्रथम श्रेणी पिलांक पई विद्या प्रवेश मॉड्यूल रो शुभारंभ करथिले। यहसह देशर शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आसुची बोली कहिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। स्वागत। लद्दाख को मिलला नुआ अर्थनैतिक लाइफलाइन। लद्दाख रे नुआ कीर्तिमान स्थापन कले केंद्र सरकार। बोर्ड रो रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख रे दुनिया रो सर्वोच्च रास्ता निर्माण करिवार सफलता हासिल करछि। पूर्व लद्दाख रो उमलिंगमा निकट रे निर्माण होइथिबाई रास्ता समुद्र पतन रु 19300 फुट पर रहिछि। या सहित भारत बोलिविया रो रेकर्ड भांगिछि। वर्तमान सुधा विश्व रो सबुठारु उच्च रास्ता निर्माण रो रेकर्ड बोलिविया ना रहिथिला। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु बुधवार सूचना दिया जाइछि। 52 किलोमीटर लंबा यह रास्ता पूर्व लद्दाख चुमा सेक्टर को जोड़ चिसुमले और डेमचा को लेह जोड़ापी विकल्प रास्ता है। तेरे यह रास्ता निर्माण होगा लद्दाख सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पर्यटन को अधिक प्रोत्साहन मिली आशा रही। मोदी सरकार द्वारा आरंभ कर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आज एक ऐतिहासिक दिन। भारत प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट क्यारिअर विक्रांत आज जलावतरण परीक्षामूलक भाव में प्रथम समुद्र यात्रा आरंभ कर विभिन्न प्रकार एयरक्राफ्ट बहन करने निर्मित यह विशाल जलजहाज आग को यह जलजहाज को भारतीय नौसेना कमिशन बा मुतयन हो ना दिज्व INX विक्रांत। प्राय 40,000 टन ओजन जहाज संपूर्ण भाव में भारत में निर्माण कर जोपाई खर्च होती 23,000 कोटी टंका। कोचिन सीपैड यह निर्माण कर समस्त प्रकार अत्याधुनिक व्यवस्था रही विक्रांत। यार डेक्रे MIG-29K सुपरसोनिक फाइटर जेट विभिन्न प्रकार मल्टी रोल हेलिकॉप्टर इत्यादि रखा जा पार यहाद्वारा बढ़ भारत प्रतिरक्षा शक्ति। विक्रांत निर्माण द्वारा भारत विश्व अन्य सब उन्नत देशगुड़ सहित समकक्ष जो मैंने एक प्रकार जलजहाज निर्माण सक्षम। मोदी सरकार नुआ कृषि आईन और देशर कृषकों समस्या को नहीं आलोचना सबुले प्रस्तुत थे। कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलगुड़ करहयोग आज पुणी सरकार आभिमुख्य स्पष्ट करते केन्द्र कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर। नुआ कृषि आईन पारित होगा बेले संसद में घंटा घंटा आलोचना चली जो विरोधी दल सामिल रही मात्र एवं राजनीति कर आक्षेप करते केन्द्र कृषि मंत्री। हमने कृषि कानून बनाते समय भी 4 घंटा लोकसभा में चर्चा की, 4 घंटा राज्यसभा में चर्चा की। जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हुई तो अधिकांश सदस्यों ने 15 घंटे पर तक इन्हीं विषयों पर चर्चा की और उसके बाद उनकी चर्चा का हम लोगों ने जवाब भी दिया, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है और वो किस दृष्टिकोण के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं इस मामले में उनके अपने मन में ही स्पष्टता नहीं है। कृषि और कृषि कानून दोनों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण साफ है और हम चर्चा के लिए सदन में तैयार हैं।
केरल में बढ़ुवा नुआ मामला चिंता बढ़ाऊ। केरल में गत 24 घंटा भितर 22,414 नुआ आक्रांत चिन्हट होती या सहित 108 जन कोरोन मृत्यु होती। राज्य में वर्तमान 176,048 जन सक्रिय आक्रांत रही सेपटे किंतु केरल सरकार राज्य में कोरोना कटकणा को कोहल करने नहीं बुधवार घोषणा करते। नुआ मार्गदर्शिका अनुसार सप्ताह 6 दिन सोमवार शनिवार दुकान बजार सब् सका 7 राति 9 पर्यंत खोला रहिबो। सूचनाजोग्य जे देशरे समुदाय कोरोना मामलार 49.85% मामला केरलरु चिन्हट होइछि। राज्यरे दैनिक 20,000 अधिक कोरोना केस चिन्हट होइतिबा देखिबाकु मिलिछि। चाषीको घारिछि मरुडी चिंता, अभावी वर्षा को नहीं जलसेचन सुविधा। अनेक स्थान में अचल हो पड़ रही उठा जलसेचन प्रकल्प, जल अभाव बिल फाटी आं करथवा बळे चाष काम ठप हो गला जहाँ को नहीं चिंतार चाषी। देखिबा अर्गस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आंकरे चाही रही माटी, आकाशर खसिब जल आउ मेंटिब शोष। नुआपड़ा जिले में मरुडीर पदध्वनि, स्वाभाविक ठारु कम वर्षा जो चिंतार चाषी। बिल फाटी आ करथवा बेले सुखिला पड़ी चाष जमी। किछि दिन तले वर्षा होइथिले हे कोमना ब्लॉकर 10 गोटी पंचायत रे एबे वर्षा उभान। सेपटे जलसेचन सुविधा नथिबारु गजा मरुडी आशंका देखा देछि। अन्यपटे ठीक समय रे सार मिलु नथवा मध्य अभिजोग होइछि। केमिति हेबो चाष काम ताकु नै मुंडरे हात देइ बसिछि चाषी। आजा मुई दुयागर करिछ आजा, वर्षा नै किछि नै फाटी गला ना परिवार को देखकर कोरोना बाबा चली जाए आज गला जनता हो जाए तो आज महामुश्किल है एने से पलावा कि आमके उपाय हो गला ना आजा आर जमी का देखो चल के अभी तो देखु जमी पर सब फाटी कर आ कला ना आने इरीगेशन भी कौन प्रकार सुविधा ना न जहाँ वर्षा जल उपर जहाँ निर्भर चाषी कर। जुलाई मसर रेनफल 95% आम वर्षा पाइजु किंतु से वर्षाटा इक्वि डिस्ट्रब्यूसन होना जहाद्वारा कि कोमना ब्लकर 2-3 पंचायत टिके प्रोब्लेम आसी पंचायतर मध्यम किसम जमी गुड़ाक कि बेउसणी कम हेल्डअप अच्छी जोटा कि आम आशा करचु ये सप्ताह आम वर्षा पाईले से कम ठीक भाव आगे। केवल नुआपड़ा नुहे, जाजपुर जिले में मध्य समान स्थिति। नाथसाही पंचायत रे अनिश्चितता घेर रे धान चाष, हजार हजार हेक्टर चाष जमी एवं पानी अभाव फाटी आ करी। पांचोटी जलसेचन प्रकल्प थिले भी गोटे भी काम लगुनी। केउठी विद्युत संजोग होइनी तो आउ केउठी अकामी मोटर पड़ रही, पाखरे केनाल जलसेचन भी सुविधा नहीं। बिलरे तली पाची नष्ट बसिथिबा बेले जमीरे जमी रहिथिबा पानी को आंजुड़ा संग्रह करी तली बंचाइबा को प्राणमूर्छा उद्यम करुछि चासी। किंतु 10 वर्ष धरी अचल होइथिबा लक्षाधिक टंकार उठाजल प्रकल्प प्रति विभागर दृष्टि पड़ुनि। मुठि बहुत दिन मो चाष उपर निर्भर कर चलुछि किंतु वर्तमान परिस्थिति होइछि एक अषाढ़ श्रावण है वर्तमान वर्षार ये ना ये 5-5 एल आई पॉइंट ताकू भी बर्तमान अचल कर पकई दि जाए कौन कार्यकारी होनी ना पा बाहर ना कि हो पॉइंट थी डैमेज कर दिहला सब गुरा पड़ चे सब कुछ गोटे चलु भी ना आ सरकार को दाय कर 5-5 अच्छी जी सजा दिखती बागे दिखती नुआ कि करती आम चाषी मैंने बचत फेल मारी उठा जलसेचन प्रकल्प हजार हजार हेक्टर चाष जमी फाटिकी आ करी मरुड़ी आशंकर नाथ साईवासी तबे एने आम जाजपुर जिलापा प्रतिक्रिया रखा चेष्टा करूँ हेले कौनसी प्रतिक्रिया मिल पारे ना। खरा चली बेले बर्षार एतटा देखा ना सेपटे फेल मारुची सरकार उठा जल प्रकल्प। एभली स्थित भद्रक जिलार किसी स्थान देखाई मरुड़ी परिस्थिति, लिफ्ट पॉइंट केनाल भी चलुनि, बिना पानी रे खेत सुखिला पड़ा बेले चाष काम ठप हो पड़ा तली पक चाषी रुआ केमी हम ताकू चिंतार तला तो पकईनि बर्तमान जो प्रकार खरा चली हिसाब ना आला कौट पक पानी सुविधा ना आ उठा जलसेचन जब कि सरकार तरफ होता आम कि तला पकई लेट हो पचे चाष कर बर्तमान तो उठा जलसे ना केनाल निष्कासन नाल पानी टे टे चलुची आ पानी तो नहीं पकड़ बर्तमान आमर उपाय कि ना केबे अभावी विकृत केबे सारर उत्कट समस्या आउ केबे रोगपोकत केबे मरुड़ी एभली स्थित जलसेचन भी ना व्यवस्था एमती राज्य सरकार केवल चाषी कुंभीर कांदणा कांदुछंती
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ ଜିରୋ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଛି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଶୋ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଚାଲିଛି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଶୋ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2020 ଉପରେ। ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଟୋକିଓ ଟକରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲାଲମନ। ଟୋକିଓ ଟକରରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଟୋକିଓରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ସ। କୁସ୍ତିରେ 57 kg ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଶ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେସଲର ରବି ଡାହିଆ। ବାଜାକିସ୍ତାନ ସନାୟେଦ ନୁରି ଇସଲାମ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 2-9 ପଛୁଆ ଥିଲେ ରବି, ପରେ ଜୋରଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲ କୁମାର ପରେ କୁସ୍ତିର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ରବି ଦହିଆ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଖୁସି ଆଣିଲେ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ବକ୍ସର ଲଭଲିନା। ଟୋକିଓରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବକ୍ସିଂରେ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଭଲିନା। ତୁର୍କୀର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ବକ୍ସର ବୁସେନାଜ ଲଭଲିନାଙ୍କୁ 0-5 ହରାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଏହା ଭାରତର ତୃତୀୟ ପଦକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ସିଲଭର, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ଲଭଲିନାଙ୍କୁ। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରାଉଣ୍ଡରେ 86.65 meters ଦୂର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଭାରତର ପଦକ ଆଶାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ହାରିବା କଥା କହିବୁନି, କାରଣ ଏହା ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ସୁନା ରୂପା ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ହୀରା ଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଚମକ ଦେଖିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଯଦିଓ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଠାରୁ 2-1 ପରାଜୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ବ୍ରିଟେନ ସହ ମହିଳା ହକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ଆଜି ହାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଛି ଦେଶର ଝିଅ। କଣା ଟକ୍କର ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅଲିମ୍ପିକ ମହିଳା ହକି ସେମିଫାଇନାଲ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ପୁଣି ଲଢିବ ଟିମ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ 1-0 ଆଗୁଆ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କରିଥିଲା କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରଚିଛି ଇତିହାସ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଲଢିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ତଥାପି ଭାରତ ହକି ଦଳକୁ ପଦକ ମିଳିବାର ଆଶା ବଜାୟ ରହିଛି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଭାରତର 16 ଦିଗ୍ଗଜ ମହିଳା ଖେଳାଳି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାତ୍ର 2 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଗୁରଜିତ କୌର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ନେଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର 2 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଡିଫେଣ୍ଡରମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଗୋଲ୍ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ସ୍କୋର ସମାନ କରିଥିଲେ।
তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারত খেলাড়ি মানে চাপ মধ্যে থাই মধ্য পূর্ণ ক্ষমতা সহ খেলা প্রদর্শন করিলে ও গোল করিবার প্রয়াস জারি রাখিলে। কিন্তু খেলার শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনা দল আউ এক গোল স্কোর করে 2-1 রে লিড করিতিলা। সূচনা যোগ্য কোয়ার্টার ফাইনাল রে তিনি থর চ্যাম্পিয়ন হইতিবা অস্ট্রেলিয়া কু 1-0 রে হরাই প্রথম থর পাই সেমি ফাইনাল রে প্রবেশ করিতিলা ভারতীয় হকি টিম। সেতি পাই আজি চমৎকার প্রদর্শন করিবা নেই সমস্ত আশাবাদী থিলে। তেবে ভারতীয় টিম আজি ভালো প্রদর্শন করিবা সহিত আর্জেন্টিনার আটাকিং মুভ কু দৃঢ়তার সহিত সামনা করিছন্তি। সূচনা যোগ্য অলিম্পিক রে 1980 রে মস্কো পরে প্রথম থর পাই ভারতীয় মহিলা দল সেমিফাইনাল কু উন্নীত হই দেশ পাই গৌরব আনি দেইছন্তি। এহা সহিত আগামী দিনরে ব্রোঞ্জ আনিবা নেই এবে মধ্য আশাবাদী ভারতীয় দল, ভারতীয় মহিলা হকি দল। ব্যুরো রিপোর্ট, আর্গস নিউজ। টোকিও টকরে এবে সময় হয়েছে পদক তালিকার। পদক তালিকায় কে রহিলা উপরে, কে রহিলা তলে, কাহাকু মিলিলা কেতে গোল্ড মেডাল? তো ফার্স্ট দেখিবা যদি চীন 32 কু 32টা গোল্ড মেডাল, 22 সিলভার, 16 ব্রোঞ্জ, আমেরিকা 25 গোল্ড, 31 সিলভার, 22 ব্রোঞ্জ, জাপান 21 গোল্ড, 7 সিলভার, 12 ব্রোঞ্জ, ব্রিটেন 15 গোল্ড, 18 সিলভার, 15 ব্রোঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া 15 গোল্ড, 4 সিলভার, 17 ব্রোঞ্জ, রুশিয়ান অলিম্পিক কমিটি 14 গোল্ড, 21 সিলভার, 18 ব্রোঞ্জ, জার্মানি 8 গোল্ড, 8 সিলভার, 16 ব্রোঞ্জ, ফ্রান্স 6 গোল্ড, 10 সিলভার, 9 ব্রোঞ্জ, ইটালি 6 গোল্ড, 9 সিলভার, 15 ব্রোঞ্জ। সবুঠু উপরে রয়েছে চীন 32টি গোল্ড মেডাল সহিত। কিন্তু মোট পদক তালিকা যদি আমি দেখিবা তবে 78 পদক সহিত আমেরিকা রয়েছে সবুঠু উপরে। ভারত পাখে বর্তমান রয়েছে গোটে সিলভার, 2টি ব্রোঞ্জ। তো টোকিও টক্করে দর্শক বন্ধু আজি পাই এতিকি খবর, আপনার সহিত পুনি থরে দেখা হব আসন্তা কালি টেক সময়। বিদায় দিয়ন্তু, নমস্কার।